बच्चों, आज हम वसंत का पार्ट एक पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो चिड़िया के बारे में बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो है वह जुंडी के दाने क्या होते हैं, जो जौ और गेहूँ बाजरे की जो बालियाँ होती है उनके दानों को क्या करती है, वो चोंच मारती है रुचि से, मीन्स अपने शौक से, उन उसके रस को क्या करती है, चोंच मार मार के उसके रस को खा लेती हैं। वह जो छोटी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, संतोष करने वाली है हर चीज़ में, नीले पंखों वाली मैं हूँ, कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो कह रही है कि छोटी चिड़िया जो है वह कंठ खोल के, कंठ मीन्स अपना गला, गला खोल के बूढ़े वन बाबा के खाते, बूढ़े वन बाबा के मतलब वन मीन्स पूरा जो जंगल है, उस पूरे जंगल के खातिर मीन्स के लिए, पूरे जंगल के कारण वो कंठ खोल कर, मुँह खोल करके, अपना गला खोल करके उसमें रस उंडेल करके, उसमें सुरीली आवाज डाल करके गाती है। वह छोटी और मुँह बोली चिड़िया है, छोटे मुँह की है चिड़िया। वो कह रही है मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे विजन, विजन क्या होता है, विजन होता है एकांत स्थान। जंगल में देखा होगा आपने कि बिल्कुल विजन का मतलब है एकांत स्थान, जंगल। वो कह रही है कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। आप वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वो कह रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मारती है और चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी मतलब पूरी भरी हुई, पूरी उफनती हुई नदी है, उसके अंदर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो केदारनाथ अग्रवाल हैं। चिड़िया के बारे में बताते हैं इसके अंदर कि चिड़िया को जो है, जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, गर्बीली चिड़िया है, गर्भ से गाती है और नदी में से छोटा सा मोती, जल के रूप में जो मोती लेके आती है, और वो कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसे जंगल से भी बहुत प्यार है, उस और उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तो बच्चों, हम मेरी अगली वीडियो जो है वो पार्ट 2 की होगी, उसमें हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, बचपन।